बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मजेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है, मेरी मर्जी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। एक है खाना, एक है जौक से मजे का खाना, एक है मोमिन होना और एक है कि मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं। यानी मोमिन होने का मजा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ नसीब होना कि मैं मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू तीन चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान, यानी मोमिन होने का भी मजा, मुसलमान होने का भी मजा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं तीन चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक्तदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीजें प्यारी हैं या दो कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आगे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूं, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियां, मुंह रखने के लिए ताल्लुका, जरूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूंकि मेरी मजबूरी है, चूंकि मुझे जरूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मजा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।